There are four questions on the day of judgment. Will be asked for everybody. Are we prepared for that? सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी उम्र किन कामों में गुजारी? ऐ उम्र मौज मस्ती में गुजारने वालों, ऐ शराब खानों, पब्स में, नाइट क्लब्स में, बेहुदा औरतों की दोस्तियों में उम्र गुजारने वालों, सुनो, आज यूके में आकर, यूरोप में आकर मुझे कोई नहीं कहता, मेरे अपने राइट्स हैं, मेरे माँ बाप भी मुझे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आज तुम्हारे माँ बाप तुमसे डरते हैं, क्योंकि कहेंगे तो तुम पुलिस को फोन कर दोगे। कयामत के दिन रब को जवाब देना पड़ेगा, उम्र किस काम में सर्फ की? ये बता सकोगे कि मौला बेहयाई के अड्डों पर सर्फ की? और उम्र के अलावा मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, एक और रिवायत में आता है, एक्स्ट्रा अलग से सवाल होगा, अपनी जवानी कैसे गुजारी? ऐ जवानी में मस्त होने वालों, सुनो, ये जवानी इसलिए नहीं कि रब को नाराज किया जाए, हराम काम किए जाए। मैंने और आपने सबने मरना है, खुदारा ऐसे काम ना करो कि जवाब ना बन पड़े, कोई आंसर ही ना हो। दूसरा सवाल होगा, अपने इल्म पर कितना अमल किया? हमारे पास इल्म है, पहले तो इल्म सीखा ही नहीं, जो सीखा उस पर अमल नहीं। तीसरा सवाल होगा, माल किस तरह कमाया और कहां खर्च किया? आज जो फ्रॉड कर रहा है, आज जो हराम कमा रहा है, आज जो बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, वो सोचे, कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अपने जिस्म को किन कामों में बोसीदा किया? जिस्म बूढ़ा हो गया, लोग कहते हैं बड़ा, अब जान भी नहीं रही। ये जो जान न रही, ये जो बोसीदा हो गया, जो बूढ़ा हुआ, ये किन कामों में बूढ़ा हुआ? क्या इबादत की कि नहीं? सजदे किए कि नहीं? रोजे रखे कि नहीं? कि बेहयाई के काम और बुराई के काम करते करते बूढ़ा हो गया।